बैरागढ़ उपचुनाव में हुआ 77.88% मतदान, 16 अप्रैल को होगी मतों की गणना। रायपुर में कांग्रेस महामंत्री पर हुआ जानलेवा हमला, आधे दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कोरिया में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े के घर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश, 13वीं कार्यक्रम में हुए शामिल। रायगढ़ में सैकड़ों किसानों ने की दूसरी बार आर्थिक नाकेबंदी, 16 अप्रैल को करेंगे शौचालय साफ। कोरिया में नरेगा महासंघ ने निकाली बाइक रैली, अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो रुख करते खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में सीएम भूपेश प्रदेश के कई मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे। सीएम के साथ अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भी भेंट के दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर, नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर, नक्सल प्रभावित जिलों के विकास से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर मुझे बात करनी है, जिसमें एक तो हमारे जीएसटी का मामला है, क्योंकि तो पैसा मिलेगा तो हम वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ विकास के काम करेंगे, लोगों को रोजगार के लिए काम करेंगे। तो दूसरा, और जो सीआरपीएफ के जो भुगतान है उसमें हमारे राज्य के हिस्से से पैसा काट लिया है। तो ऐसे 3-4 मुद्दे हैं जिसको छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव में 77.88% मतदान हुआ। मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। मतदान के बाद 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब सभी की नजर 16 अप्रैल को होने वाले मतगणना पर टिकी हुई है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार को समाप्त हो चुका है। उपचुनाव में वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह रहा। यही वजह है कि 40 डिग्री तापमान में भी करीब 78% मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे थे। इसमें भी रोचक बात यह है कि दूर जंगल से भी लोग वोट डालने के लिए केंद्रों में आए हुए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जिला और सालेवारा को तहसील बनने के उत्साह में लोगों ने वोट दिया है। हालांकि वोटिंग के बाद कांग्रेस के साथ ही भाजपा ने भी अपने अपने जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता राज्य बनने के बाद से ही मतदान के लिए काफी जागरूक रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़े के अनुसार इनमें 78.92% पुरुष और 77.74% महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला, लेकिन मतदान केंद्र परिसर में कतार में लगे मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई भी हिचक नहीं हुई। राज्य बनने के बाद अब तक 75% से कम मतदान कभी नहीं रहा। 2003 आम चुनाव में 78.21%, 2007 उपचुनाव में 75.19%, 2008 आम चुनाव में 76.46%, 2013 में 84.04% और 2018 में 84.39% मतदान हुआ था। और अब खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में 77.88% मतदान हुआ है।
इधर मतदान के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि खैरागढ़ की जनता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कांग्रेस का 71वां विधायक खैरागढ़ से ही होगा। उन्होंने प्रचंड मतदान के लिए खैरागढ़ के मतदाताओं का आभार जताया। मरकाम ने कहा कि खैरागढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेकर कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के अब तक के जन कल्याणकारी कार्यकाल और खैरागढ़ छुईखदान गंडई को जिला बनाने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मतदान के लिए खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि तपती गर्मी में खैरागढ़ क्षेत्र के मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है वह अभूतपूर्व है। मतदाताओं का उत्साह निश्चित ही भाजपा के पक्ष में सकारात्मक परिणाम लाने वाला साबित होगा और 16 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। बहरहाल अब 16 अप्रैल को मतगणना होगी। निर्णय सुनने के लिए खैरागढ़वासी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जीत कांग्रेस की होती है या भाजपा बाजी मारने में कामयाब होती है। रफ्तार मीडिया के लिए खैरागढ़ से अभिलाष देवांगन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल रजवाड़ी के निवास पहुंचकर उनके बेटे और जिला पंचायत सदस्य रहे स्वर्गीय विजय रजवाड़ी के 13वीं के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वर्गीय विजय रजवाड़ी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना भी की। पीछे तो राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा थाना क्षेत्र में कांग्रेस महामंत्री भावेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। महामंत्री के दोस्त वैभव शुक्ला ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कांग्रेस महामंत्री ने बदमाशों पर उनके कार के सामने पेट्रोल बम फेंकने का भी आरोप लगाया है। पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बदमाशों के बारे में पुलिस अब तक कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भावेश बघेल अपने दोस्त वैभव शुक्ला के साथ सिलियारी से वापस धरसीवा होते हुए रायपुर आ रहे थे। उनके द्वारा थाना धरसीवा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि सिलियारी से धरसीवा के बीच में रोड पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार चार लड़के अचानक उनके गाड़ी के सामने आ गए और उनको गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। प्रकरण में भावेश बघेल की रिपोर्ट पर थाना धरसीवा में। तो कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को झगड़ाघन पुलिस ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 4 वर्षों से नर्सिंग की एक छात्रा मनेंद्रगढ़ में एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रा की दोस्ती एक युवक से हुई थी। युवक ने इस दौरान शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। यही नहीं, अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थिया द्वारा मनेंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। वही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा अभियान के रूप में चलाए जा रहे अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी देकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उस माध्यम से अभिव्यक्त ऐप के माध्यम से पीड़िता के द्वारा पहले एक मनेंद्रगढ़ थाने में शिकायत प्रेषित की गई कि कट्टी मध्य प्रदेश का आरोपी अरविंद बर्मन उसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती किया, जान पहचान किया, फिर उसका नंबर लेकर मोबाइल नंबर दोनों आपस में शेयर कर बातचीत करने लगे। दोनों के बीच में प्रेम संबंध बने बात करते करते। इसके बाद पिछले वर्ष मार्च 2021 में आरोपी मनेंद्रगढ़ आया और पीड़िता के किराए के मकान पर जाकर उसके साथ गलत संबंध बनाया। उसी दौरान उसी समय उसने उसके वीडियोस फोटोज भी बनाकर अपने मोबाइल पर सुरक्षित कर लिए। इसके बाद वापस गया, पीड़िता ने उसे बात करना बंद कर दिया तो उसने उसके पूरे फोटोज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर डाउनलोड कर वायरल किया, जिससे पीड़ित होकर पीड़िता के द्वारा पहले अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से थाना मनेंद्रगढ़ शिकायत दर्ज कराई गई और स्वयं उपस्थित होकर भी घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर धारा 376 भादा भी 67 67 ए आई टी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण
दर्ज किया गया। आईटी एक्ट का प्रकरण होने से जिले के पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के द्वारा प्रकरण। तो कोरिया के बैकुंठपुर में मनरेगा महासंघ अपनी मांगों को लेकर विशाल बाइक रैली के साथ कलेक्टर पहुंचे और अपनी दो सूत्रीय मांगों को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी सेवकों के संगठन पदाधिकारी काफी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलनरत मनरेगा महासंघ की कोरिया जिला इकाई द्वारा विशाल बाइक रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया गया था। मनरेगा महासंघ के जिला अध्यक्ष आरिफ रजा और कार्यकारी अध्यक्ष रुद्र मिश्रा ने विभिन्न विभागों के संगठन प्रमुखों की उपस्थिति में यह ज्ञापन सौंपा। अधिकरण दिया जाएगा, उनके मैनिफेस्टो में था कि 10 दिनों के अंदर में हम सभी का नियमितीकरण करेंगे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए हमने ज्ञापन आज सौंपा है कलेक्टर महोदय को, जिसमें पहली मांग है कि नियमितीकरण, अगर नियमितीकरण में किसी तरह की कोई बाधा है, वित्तीय किसी तरह की बाधा है, तो समस्त संविदा कर्मी नियमित कर्मचारी जो हमारे रोजगार सहायक से लेकर के जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए। सिविल सेवा आचरण नियम जो 1966 है उसका पालन किया जाए एवं रोजगार सहायकों के लिए ग्रेड पे का। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।